बेसिकली मेरी और आयुष की बहुत बुरी लड़ाई हुई और अब वो नेपाल जा रहे हैं, विच इज़ वेरी बैड. दिस इज़ नॉट द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बिकॉज वी आर टुगेदर सिंस वन ईयर एंड उससे मेरा मतलब साइक बोलते ना साइक मजाक करी थी. आगे का ब्लॉग देखो. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू ब्लॉग. कैसे आप सब, इस तबीयत है? तो आप लोग मुझे आई थिंक 4 दिन बाद देख रहे हो. चलो कोई नहीं, इतनी पनिशमेंट तो बनती है. एनीवेज गाइस, तो आज जा रहे हैं आयुष नेपाल और हम लोग पिछले 3-4 दिन से लाइक वी आर जस्ट टेकिंग ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया एंड वी जस्ट यू नो हैविंग सम गुड टाइम एंड ऑल दैट स्टफ. तो आज जो है आयुष जा रहा है नेपाल और मैंने कल रात से सारी पैकिंग शैकिंग कर दी थी. आई थिंक ही इज़ गोइंग फॉर अ मंथ और मे बी 2 मंथ भी हो सकते हैं, 3 मंथ भी हो सकते हैं, कुछ नहीं पता काम के हिसाब से. सो यस, दिस इज़ द टाइम फॉर द फेयरवेल. एनीवेज कोई नहीं, हंसते हंसते अलविदा करेंगे क्योंकि इट्स ओके. कोई नहीं, हम जब वो पल गुजार सकते हैं तो ये भी गुजार लेंगे. कोई नहीं. तो हमें जाना था बाहर, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी मामा के लिए और सबके लिए. बट एज यूजुअल आप लोगों का प्रिंस चार्मिंग इज स्लीपिंग. सो मैंने पापा को बुलाया क्योंकि पापा भी जा रहे थे. तो आयुष को जो है मनी एक्सचेंज करवाना था तो वो भी मैंने पापा को बोल दिया. एंड देन मैंने पापा को बोला कि फ्यू चॉकलेट्स वगैरह भी लेकर आ जाना, वरना उसको बहुत ही बच्चे जो है ना सुनाएंगे, क्योंकि सब बच्चे उसको यही बोलते खाली हाथ आ जाते, शर्म नहीं आती. तो यस, ये भी हो जाएगा. बाकी मेरा रूम बड़ा क्लीन श्लीन सा हुआ है. ये जो आप ड्रेस देख रहे हो उसमें भी वीडियोज़ आएंगी, अब तो क्या बोल सकते हैं. बाकी मैं आज कोर्ट भी गई थी तो कोर्ट में मेरा दिल टूट गया बिकॉज दे टोल्ड मी समथिंग विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग. सो वी आर ट्राइंग टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन विद द लैंडलॉर्ड एंड द रियल स्टेट गाय. सो लेट्स सी इफ ही अग्रीज, दैन वो हमारे लिए ये घर बना कर देगा और वी विल कंटिन्यू लिविंग हेयर विच विल बी नाइस इंशाल्लाह, अल्लाह हक में जो बेहतर करे. बाकी लेट्स सी, आज जो जो करूँगी आप लोगों को व्लॉग में दिखा दूँगी. आई मिस्ड यू ऑल सो मच. बी काइंड इन द कॉमेंट सेक्शन, अदरवाइज इससे ज़्यादा आप लोगों को पनिशमेंट मिल सकती है. सो गाइज, मैं भी पापा के साथ बैठ गई थी मनी एक्सचेंज करवाने के लिए. तो अभी हम मनी एक्सचेंज करवाने के लिए जा रहे हैं और ये वाला चश्मा मुझे बहुत बुरा लगता है लेकिन अभी मेरी मजबूरी है ये चश्मा. सो हम चश्मा हंट के लिए भी जाएंगे. बहुत सारी चीज़ें ऑन द वे हैं. सो यप, मैंने कुछ खाया भी नहीं है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जो है पाकिस्तानी सुपरमार्केट से कुछ खाऊंगी. सो यप, कितने बनेंगे पापा? आई थिंक आई डोंट नो, 31,000. कितने? 31. कम वो हो गया, ये तो बहुत ज्यादा वो हो गया. 37 होने चाहिए थे. ट्रांसफर रेट कैश के लिए कम है. अगर हम ट्रांसफर करवाएंगे 1000 बैंक में, वहाँ बैंक ट्रांसफर करवा सकते हैं. हाँ वो पता है हमें. हम लोगों ने यहाँ से मालूम किया है तो ये लोग हमें जो है 31,000 दे रहे हैं और 5,000 का हमें नुकसान हो रहा है यार. मतलब 5,000 धर्म नेपाली यानी 100 धर्म का नुकसान हो रहा है हमको, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कोर्स. तो पापा कहीं से जुगाड़ करें कि कोई हमें जो है मतलब अच्छी अमाउंट में पैसे दे दें ताकि हम ले लें उनसे. सो या लेट्स सी, पापा इधर खड़े. सो गाइस, हमने एक्सचेंज रेट से ही करवा लिए बिकॉज जो वो बंदा था वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था. तो ये रहे, आ गए. कितने दिए वापस? 31,500.
31,500 भी लड़ के लिए। हाँ क्योंकि पता है हम लोग दो मिनट के लिए एटीएम में गए थे और उन लोगों ने पता क्या बोला, 30। मैंने आपको बोला ना पापा सेकंड सेकंड में बदल रहा है ये। तो यहाँ से लेते हैं, ये हमें केजी के हिसाब से मिल जाएंगी चॉकलेट्स, दिल खोल के ले सकते हैं। सो गाइस सारी चीज़ें हो गई हैं, मतलब बंदी हो तो मेरी तरह हो। देखो मैंने उसके सोते हुए भी सारी चीज़ें कर ली, पैसे निकलवा लिए ठीक है, एंड देन सबके लिए गिफ्ट वगैरह भी ले लिए। अब मैं जा रही हूँ कुछ खाना खाने के लिए बिकॉज बहुत भूख लग रही है, और अभी दिन जो है देखो आप देख सकते हो ढलने वाला है। सो घर में खाना बन रहा है, सो वी विल हैव आवर लास्ट मील टुगेदर। एंड देन पापा एयरपोर्ट के लिए कब तक निकल रहे हैं? रात में कितने बजे? मेरे घर में 2 बजे। तो हाँ 2 बजे। ये रहा मेरा समोसा और मेरी चाय। आई वॉज क्रेविंग लाइक फॉर, मुझे इतना दिल चाह रहा था ना समोसा खाने का। ओए होए होए चाय सुकून। पापा देख रहे हैं मैंने कहीं गाड़ी शाड़ी तो नहीं मार दी। आ गया हूँ। So guys, मैंने पेट पूजा कर ली है और पता नहीं क्यों मुझे ये पिंपल आया है यार, यहाँ पर इतना अजीब से लग रहे हैं दो दो पिंपल। एनीवेज रखो हाँ सब मैं ये पे कर दूँ। काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट सा व्लॉग होगा ये मेरा, ये मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। लेकिन कल हम जाएंगे अपने चश्मा हंट के लिए क्योंकि आई नीड टू गेट माई चश्मा एज सून एज पॉसिबल बिकॉज मैं इतने बड़े बड़ी जो ये दूरबीने हैं ना ये नहीं लगा सकती। तौबा हो गई तौबा। बाकी योर गर्ल इज गोइंग टू बी इन जिम एज सून एज पॉसिबल ऑफ कोर्स, घर का सीन का पता लग जाए कि क्या हो रहा है। और आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज भी अगर वो हो जाएगा तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब आ गए हम जा रहे हैं। ऐसे कहते हैं ना ब्लॉगिंग क्यों चार भूल गए। रुको तो सुन लेता हूं थोड़ा। जब मतलब कुछ नहीं आती हो ना, एक अनकम्फर्टेबल फील होती है तो तब चश्मा पहनना चाहिए, तब कॉन्फिडेंट फील होती है। ओके गाइस, तो कैसे हो आप लोग, स्वागत है आप लोगों को न्यू ब्लॉग ब्रांड न्यू। अरे ये रही नाटकी, इधर मेरी पैकिंग कर रही है, चुप है। और इधर हमारी पैकिंग चल रही है नेपाल के लिए, तो मैं नेपाल के लिए निकलने वाला हूँ अभी। तो अभी यानी कि मतलब अभी मेरी मतलब अभी अभी कितना होगा मोटो टाइम शायद अभी तो आई थिंक 8-9 बज रही है। तो मुझे घर से निकलने हमें 1 बजे तक क्योंकि हमारी 4 बजे फ्लाइट है। तो सब पैकिंग वैकिंग हो रही है। सो बैड न्यूज, और पहनने के लिए रही मेरे कपड़े और वो रहे मेरे जूते और वही है। तो सब कुछ इधर पैक वैक कर रहे हैं हम दोनों मिल के। सो फाइनल पैकिंग डन एंड मतलब ये बहुत जल्दी मतलब निकलनी पड़ी नेपाल के लिए भी। आप लोगों को मतलब अपडेट भी नहीं दे पाया, पर कोई नहीं आप लोगों के ब्लॉग से अपडेट मिली है। बताया हुआ था हम लोगों ने लेकिन डेट नहीं बताई थी। हाँ डेट नहीं बताई थी पर वही है। तो जो भी हो तो निकल रहे अभी नेपाल के लिए। तो अब तो सीधा नेपाल जाके मिलते हैं। अब लाइव भी शायद उधर से होगी क्योंकि अभी मतलब इधर से तो लाइव पॉसिबल नहीं है, इधर काम वाम चल रहे हैं हमारी। तो वही है गाइस। सो क्या बोलो आप, ये लड़की को अच्छे हाँ यस। और गाइज हमारे पास एक मतलब क्या है कि ये भी जा रहा है हमारे साथ अली। अली भी जा रहा है, मेरा बेटा भी जा रहा है साथ ठीक है। हम अली और खली बली साथ जा रहे हैं हम। तो सोच लीजिए अब अली लेके जा रहा हूँ तो क्या धमाका होने वाली है। ओके चलो। इस तरीके से जो है ना वही तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने आयुष का जो लगेज है ना वो पहले ही कर दिया था मतलब रेडी, लेकिन फिर मैं और चीजें लेकर आई तो अब करना पड़ा है दोबारा। शायद यार ये तो ओवरलोड हो जाएगी आज भी नहीं जान, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो 25 किलो है सिर्फ। पसीने चुक गए। मैं भी करवाऊं हाँ। शक्ल देखो उसकी। बिस्मिल्लाह। आपने अपनी मेडिसिन रखी? स्ट्रेप्सिल्स। स्ट्रेप्सिल्स खा के बोलते हैं मैं बहुत बीमार हूँ। ये ना कल मुझसे ये खराब हो गई थी। हाथ मत लगाना, ये भी टूटा दिया है एक ने। गाइस हम लोग इधर आ गए हम इधर खाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे बच्चे मेरी बच्चियों का दिल नहीं जलाएंगे। देखो मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही तुम्हारे दो दामाद ही तो सही है। वो दामाद को मम्मी लेक्चर दे रही है कैसे दिल जलाएंगे। देखो लेक्चर हो रहा है लेक्चर यहाँ पर। ब्राउन फैमिली इसमें आज वो क्यों नहीं है जो कल था प्याज? वो आयुष को अच्छा नहीं लगा था। तुम्हें प्याज अच्छी नहीं लगती? देखा था ओ चांद का टुकड़ा आ गया फाइनली। खाना
तो गाइस हम सब आज मिलके खाना खा रहे हैं, ठीक है। बेसिकली इज़मा हमारे साथ नहीं खाती, वो पहले खा ली थी क्योंकि इज़मा शायद बहुत जल्दी उठती है, लेकिन आज वो भी जो है इधर उधर घूम रही है पूरी तैयार होकर हमारी दादी खाएगी। सही है। सो गाइस खाने में हमारे पास है राइस, ठीक है, और दाल देख सकते हैं आप लोग, और ये कढ़ाई बनी हुई है। ओए होए इतना मस्त मस्त खाना, वाह। तो मैं ये आयुष की प्लेट आप लोगों को दिखाती हूँ, ये वाली प्लेट आयुष के ब्लू वाली, तो मैं आयुष के खाना निकाल देती हूँ फटाफट। बैठ के अभी खाना खा रहे हैं साथ, तो रोजे में ऊपर से प्लेट इतना गुस्सा है बंदे को, रोजे भी है। मुझे क्यों ले रही हो, ना लो ना अभी। क्यों ना लो, खाना खाने दो आराम से यार। चल चल। तो गाइस हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था और अब हम वॉक के लिए आए इधर आयुष। तो मैं आयुष से ये बोल रही थी कि जब हमारी इंशाल्लाह शादी होगी ना तो हम इस तरीके से घर से जाएंगे, और आयुष ने बोला हाँ ठीक है। मस्त सजाए ना, बहुत प्यारा सजाया है यार माशाल्लाह, और घर भी कितना प्यारा है ना। क्या हुआ तुम्हें? कंटेंट दे रहा हूँ। बहुत प्यारा लग रहा है, इधर पिछले थे ना। ओके सो आ गई आइसक्रीम, देख आ गई आपकी, वाह कितनी बड़ी यार। और मेरी क्या और है? हाथी देखो अपने लिए तो यार, ये क्या मतलब पूरा तो मेरा दिल ले। तू क्या, तुम्हारी इतनी दिल है कि मतलब दो दो आइसक्रीम खा रही है और मेरी दिल नहीं है तो इतनी, देखो इधर ठीक शरीर के अनुसार ही लेके आई यार। देखो इधर आइटम उसकी नाटकी। चलो गाइस अब आइसक्रीम खा के उसके बाद रेडी होंगे, क्योंकि अभी बज रही है एक बजने वाले थे, एक बजे तक काम निकलने तो वही ऐसे खा के रेडी हो जाएंगे, तो उसके बाद निकलेंगे ना मोड़ो। चलो हम तक गाइस मैं रेडी हो गई हूँ और अभी थोड़ी देर में वी आर गोइंग आयुष को छोड़ने के लिए। रोंगी नहीं चश्मा लगा लेते हैं, आज से छुप जाएंगे हम लोग, निकल रहे हैं ठीक है। मामा नहीं जा रही, मामा और इसमें घर पर ही, मामा आयुष की अली भी रख रहा है साथ साथ, केज को देख लो आराम से, रख लो मेरी अली को। इसका इसका वेट कितना होगा, गिटार का कितना है? ये आपका वेट कितना भी हो और हैंड कैरी भी हो, आयुष अपने बिल्कुल फॉर्म में ताकि से कोई बचा ले ले। इससे ना ग्लासेस ऊपर लगाए तो मैंने इसे बोला अपने ग्लासेस के पहने तो बोलता है ताकि मुझे कोई पहचान ले ले, इसने ग्लासेस इसलिए पहने ताकि ये रोए तो मैं देखू ले। तेज है अगर मैं जब तक आ गया मार्केट से तो सही है, वरना बोडिंग बोडिंग हो गई जो भी हो नहीं तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा तोहफा दूंगा, लेकिन आपको आना है ना मोटू, हाँ तुम आ जाओ, तुम तो जब चाहे तब आ जाओ, मैं भी जब चाहे तब आ सकता हूँ। एमरेस कार्ड है, कल के कल ही मतलब टिकट करो, ना वीसा की जरूरत है, पागल जैसे फालतू में रह रहेगा। सो गाइस आयुष का जो आउटफिट है वो बहुत ही डैशिंग लग रहा था, तो आयुष जो है पिक्चर लेने के लिए गया, और यहाँ पे बहुत लंबी लाइन है, लंबी कतार है, तो वेट कर रहे हैं हम लोग। अभी थोड़े टाइम बाद हम जुदा हो जाएंगे, फिर लेट्स सी कब। सो काफ़ी भारी है ये, अभी मुझे कहाँ से जाएंगे, चलो ओवरसाइज बैग है क्या आपका? नहीं ना, ओवरसाइज बैग तो नहीं है आपका। इसको बोर्डिंग पास मिल गया, कहाँ है मिस्टर विनोद कुमार सिंह?
मिस तो नहीं करोगे मुझे लगता है आप करोगे यस ऑफ कोर्स व्हाई नॉट झूठा ऐसे खुश हो रहा है जैसे कि आजाद हो रहा हूँ मेरे चुंगल से काम है मटू भूखी पेटी सवाल है क्या करें करना पड़ेगी अब जाके 2-4 करोड़ कमा के आऊंगा एक दो दिन में क्या होगा तुम्हें फिर मेरे डायमंड यार वो सामने अब मैं आयुष मत जाना नखरे मत करो ना मोटू पागल अच्छे से जाने दो अच्छे से आऊंगा फिर हम मस्त बैठेंगे टाइम स्पेंड करेंगे फिर पागल जैसे थोड़ा ना मतलब हमेशा मतलब ऐसे एंजॉयमेंट गाइज आयुष जो है उस तरफ जा चुका है मतलब अब उसकी बोर्डिंग तो हो गई थी अब वो बस थोड़ी देर में जो है टेक ऑफ करेंगे अब मैं बाबा को बुला लेती हूँ मैंने जितना कोशिश की थी ना रू ना रू उतना मैं रो लेती हूँ यार किसी से इट मेक्स हिम इमोशनल एज वेल मैं आ गई हूँ और आयुष का रूम बहुत खाली खाली लग रहा है तो उसको देख के मुझे जीप सी मतलब हो रहा है और ये यहाँ पर लाइव जाता था बाकी यप दैट्स इट फॉर टुडे आई विल सी यू गाइस इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट व्लॉग लव यू ऑल सो मच कीप सपोर्टिंग कीप लविंग एंड क्या बोलूँ मैं इफ़ यू डोंट कम लाइव और अगर हम सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं दिखाते हैं खुद को इट डजेंट मीन दैट वी हैव सम सॉर्ट ऑफ फाइट अगर हम लड़ते भी हैं तो वी ट्राई टू यू नो हम अपनी अपने फाइट्स को ख़त्म करके एंड देन वी कम स्ट्रॉन्गर और लड़ाई हर रिश्ते में होती है हर रियल रिश्ते में होती है सो वी कैन नॉट से कि लड़ो मत और ये नहीं ये नहीं बोल सकते So yeah, that's it for today. I'll see you guys inshallah in the next vlog. Till then, take care. Have a good morning.